हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ऋषभ कपूर वेबसॉफ्ट ट्यूटोरियल्स डॉट कॉम से। इस ट्यूटोरियल में फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप एचटीएमएल टैग्स को पीएचपी टैग्स के अंदर यूज कर सकते हैं। जैसा कि अगर आप किसी एचटीएमएल टैग्स को इन दो पीएचपी टैग्स के अंदर लिखना चाहते हैं, सबसे पहले फ्रेंड्स आप यूज करते हैं एको साइन। मैं जैसे यहाँ पे लिखता हूँ वेबसॉफ्ट ट्यूटोरियल्स, मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स मैं इसको H1 टैग के अंदर लिखना चाहता हूँ, लेकिन मैं H1 टैग जो है वो इसी PHP टैग के अंदर यूज करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं इसको रिमूव करता हूँ। सबसे पहले हम यूज करेंगे डबल कोट्स, देन टैग का नेम H1, क्लोजिंग H1, देन लिखेंगे वेबसॉफ्ट ट्यूटोरियल्स। ओके, रिफ्रेश तो आप देख सकते हैं। अब आप इसको इंस्पेक्ट करके चेक कर सकते हैं, तो आप देख सकते हैं ये H1 टैग के अंदर है। तो इसी तरह से फ्रेंड्स आप इसके अंदर इनपुट टैग्स भी लिख सकते हैं। मीन्स अगर मैं यहाँ पे कोई इनपुट टेक्स्ट फील्ड बनाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट। फ्रेंड्स आप नोट करें, जो टेक्स्ट हमने लिखा है वो सिंगल कोट्स के अंदर लिखा है, क्योंकि नॉर्मली अगर हम टेक्स्ट लिखते हैं इनपुट टाइप, वो डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में लिखते हैं जब हम HTML में लिखते हैं। तो यहाँ पे मैं ऑलरेडी मैंने डबल कोट जो है इसके बाहर यूज कर चुका हूं। अगर मैं यहाँ पे डबल कोट यूज करूंगा देन ये एक एरर रिटर्न करेगा, तो आप देख सकते हैं सिंटैक्स एरर, क्योंकि फ्रेंड्स ये समझेगा कि यहां से जो लाइन यहां से शुरू हुई, मींस यहां से कोड शुरू हुआ और यहां पे खत्म हो गया, तो इसलिए एरर रिटर्न करेगा। तो फ्रेंड्स इसको सॉल्व करने का एक और तरीका है कि आप कंकैटिनेशन ऑपरेटर यूज कर सकते हैं, जो कि मैं आपको आने वाले ट्यूटोरियल्स में पढ़ाऊंगा। तो इनपुट टाइप टेक्स्ट, अब मैं इसकी वैल्यू लिखता हूं, वैल्यू इक्वल टू वेब सॉफ्ट ट्यूटोरियल्स डॉट कॉम। रिफ्रेश तो आप देख सकते हैं वेब सॉफ्ट ट्यूटोरियल्स डॉट कॉम। इसी तरह से फ्रेंड्स आप वेरिएबल्स को भी इसके अंदर यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक ए वेरिएबल बनाता हूं और इसकी वैल्यू मैं दे देता हूं वेब सॉफ्ट ट्यूटोरियल्स डॉट कॉम। ओके, तो मैं यहां से इसको रिमूव कर देता हूं और मैं इसकी जगह यहाँ पे सिंपली लिख दूंगा डॉलर ए। तो आप देखेंगे रिफ्रेश करेंगे तो डॉलर ए। इसी तरह से फ्रेंड्स आप H1 टैग या P टैग किसी भी टैग के अंदर एको के अंदर यूज कर सकते हैं। जैसा कि अगर मैं यहाँ पे H2 टैग लिखता हूँ, यहाँ पे मैं डॉलर ए लिखता हूँ। लेकिन फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि जो हमने इनपुट टैग्स के अंदर वेरिएबल यूज किया था उसके हमने आसपास मीन्स उसको सिंगल कोट्स में लिखा था, लेकिन हमने यहाँ पे सिंगल कोट्स यूज नहीं की, क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप इनपुट टैग लिखते हैं देन आप यहाँ पे डबल कोट्स यूज करते हैं, लेकिन हम जब H2, H1 या P टैग कोई भी यूज करते हैं हम डबल कोट्स या सिंगल कोट्स यूज नहीं करते, इसलिए हम यहाँ पे कोई भी कोट्स डबल कोट्स या सिंगल कोट्स यूज नहीं करेंगे जब कभी भी हम मीन्स अगर हम इसको किसी वेरिएबल को किसी H1, H2 या P टैग के अंदर लिख रहे हैं। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप इसमें टेबल बना सकते हैं। जैसा कि अगर आप इसके अंदर टेबल बनाना चाहते हैं HTML टेबल, तो उसके लिए आप लिखेंगे टेबल देन क्लोजिंग टेबल टैग, देन सिंपली आप TR टैग लिखेंगे, देन TD टैग लिखेंगे। मैं लिखता हूँ ऋषभ और यहां पर लिखता हूं कपूर, एंड देन यहां पे मैं इसको स्टाइल टैग्स के अंदर बॉर्डर देता हूं टेबल TR, TD बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड। रिफ्रेश तो आप देख सकते हैं इसको 1 पिक्सल सॉलिड बॉर्डर मिल गया। तो फ्रेंड्स इसी तरह से हम जावास्क्रिप्ट को भी इस पीएचपी के अंदर यूज कर सकते हैं। तो आपको पता है फ्रेंड्स स्क्रिप्ट टैग्स को यूज किया जाता है जावास्क्रिप्ट के लिए, तो मैं लिखता हूं स्क्रिप्ट, यहां पे मैं अलर्ट मैसेज शो करता हूं अलर्ट, मैं लिखता हूं वेबसॉफ्ट ट्यूटोरियल्स, तो मैं रिफ्रेश करूंगा तो आप देख सकते हैं वेबसॉफ्ट ट्यूटोरियल्स। इसी तरह से फ्रेंड्स हम यहाँ पे जैसे हमने पहले वेरिएबल यूज किया था, हम यहाँ पे वेरिएबल भी यूज कर सकते हैं सिंगल कोट्स के अंदर वेरिएबल वेबसॉफ्ट ट्यूटोरियल्स डॉट कॉम, जो कि इस वेरिएबल की वैल्यू है। तो फ्रेंड्स ये कंपल्सरी नहीं है, ये मैंडेटरी नहीं है कि आपको अगर HTML PHP के अंदर लिखनी है तो आपको एको फंक्शन के अंदर ही लिखनी पड़ेगी। आप
HTML के अंदर भी PHP यूज कर सकते हैं। वो कैसे यूज कर सकते हैं वो मैं आपको आने वाले ट्यूटोरियल्स में पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये था कि PHP के अंदर HTML कैसे कर सकते हैं। तो आने वाले ट्यूटोरियल्स में आपको बताऊंगा कि HTML के अंदर PHP आप कैसे लिख सकते हैं, जो कि मैं ज्यादा यूज करता हूँ, जो कि मेरे को एज कम्पेयर टू HTML एंड PHP के एज कम्पेयर टू मीन्स इसके कंपेरिजन में इजी लगता है। तो फ्रेंड्स ये था कि कैसे आप HTML टैग्स को या JavaScript टैग्स को PHP टैग्स के अंदर यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन अराइज हो रहा है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन फॉर्म पे जा सकते हैं। मेरे ट्यूटोरियल को देखने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको मेरे वीडियोस के बारे में रिसेंट अपडेट्स मिलते रहे। हम नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं।